नमस्कार स्वागत करुछि ओडिया रोसेई की आज मु आपन मानन सहित शेयर करबि छतु मसाला आगरु मु आपन मानन सहित छतु मसाला रेसिपी शेयर कर दे छी रेस्टोरेंट स्टाइल रे छतु मसाला तो चलंतु आज रेसिपी हम स्टार्ट करि नबा छतु मसाला तयारी करिया पई एठी मु आवश्यक सामग्री नै गेई छी एठी मु नै छी गोटे प्याज को काटि के रख दी छी आ एठी टमाटर गोटे काटि के रख दी छी आ एठी हाफ चम्मच सोरिस हाफ चम्मच जीरा आ कसूरी मेथी गोटे टीस्पून नै छी सोरिस तेल हळदी गुंड एठी नै छी चिकन मसाला गोटे चम्मच हळदी गुंड गोटे टीस्पून आ एठी नै छी काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर आ एठी लुण ऐसे ये चीज सूखीला लंका गुजराती दालचीनी अदा गोटे इंच गोटे छोट मुदा रसुण आ गोटे प्याज आठ 200 ग्राम छतु को मु हळदी पानी रे धोई देछि एबे एठी आमे प्रथमे मसाला ग्राइंडिंग कर नबा गोटे प्याज अदा रसुण दालचीनी आ गुजराती एठी मुँह अल्प टिके पानी दे कि ग्राइंडिंग करने भी एबे एठी मुँह ग्राइंडिंग करने ची एबे एठी मुँह कड़े बसे दे ची एबे एठी मुँह सोरिस तेल दे देले दो चम्मच एबे एठी तेल आमर गरम हो जाए ची एठी सोरिस आउ जीरा सुखला लंका दे दो ची पिज दे गोल्डन ब्राउन होगा पिज जस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए पिज अदा रसुण दालचीनी गुजराती ग्राइंडिंग ऐड कर दबा चारि चमच मसला को कसई नबा टिके बेठ मु कभर दे दोची लो टू मीडियम फ्लेम रे 2-3 मिनट पई तो ये आम मसला देखु भल भाव कषि एवं आम ये टमाटो देदेब गोटे एवं लुण काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर हलदी गुंड और चिकेन मसला देदे जदि आप चिकेन मसला अभेलेबुल ना आप गरम मसला भी देपर एवं कसूरी मेथी देदेब एबे एठी अल्प टिके पानी दे कि मसला को कसी नबा एबे एठी मु आउसरे लो फ्लेम रे दे दोची कभर 2-3 मिनट पई एबे एठी आमे छतु को काटिक नहीं थी देदेब आप चाहिए फास्ट छतु को भी तेल रे भाजी पारे कंचा छतु नहीं अध ग्लास पानी दे दूची कारण छतु भी पानी बाहर एब
एबे एठी मु कभर दे दउची 5 रु 6 मिनिट पे एबे एठी हमें कभर बाहर करिनु बा एठी हमरो छतु आउ टिके सिजिवो सिथि पई आउ थरे हमें कभर दे दबा एठी मु आउ थरे एबे 8 रु 10 मिनिट पई कभर दे दउची बैठी मैं कवर बाहर कर दिले देखो तो एठी हमर 10 मिनट हे गई छी हमर एठी छत मसाला रेडी हे गई छी ए बैठी हमें गैस फ्लेम ऑफ कर देबा तो एठी हमर रेडी हे गई छी गरमा गरम छत मसाला बहुत इजीली अपन घर प्रिपेयर करि परिबे आ या को अपन भात किमा रोटी सहित खाइले बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगे तो आज रेसिपी आपण मानन केमिति लागला निश्चय कमेंट करके जणाइबे रहूची।